स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम नॉर्मल सब ग्रुप देखेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप सपोज H is a subgroup of a group G. Suppose H is a subgroup of group G. Then if for all G belonging to G means for all elements of G, we have every right coset is every left coset. G से जो राइट कोसेट बनेगा और जी से जो लेफ्ट कोसेट बनेगा वो अगर सेम हो देन एच इज और नॉर्मल सब ग्रुप। तो ऐसा सब ग्रुप जिससे जो कोसेट बनाया जाए, चाहे वो किसी एलिमेंट से यदि कुछ कोसेट जनरेट होता है वो राइट कोसेट हो या लेफ्ट कोसेट हो, दोनों सेम हो, तो ऐसा सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। इसके अगर एग्जांपल में जाएंगे तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, ये ग्रुप है। इसका सब ग्रुप लेते हैं, और सब ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जेड। ये थ्री के मल्टीपल्स हैं इसके अंदर, और इससे जो कोसेट बनेंगे, देखिए कोसेट्स ऑफ इन जेड आर, एक तो यही हो गया। अब ये राइट से ले या लेफ्ट से ले बनाए, दोनों सेम कोसेट देंगे। इसके अलावा ये भी सेम है, ये भी सेम कोसेट है, ये तीन कोसेट्स हैं इसके, और ये इसमें राइट और लेफ्ट दोनों सेम है, क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, इसलिए यहां पर राइट और लेफ्ट कोसेट सेम होंगे। अब ये तय है कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो अबेलियन ग्रुप अगर होगा तो वहां कॉम्पिटेटिव लॉ होल्ड करेगा, तो हर राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर होगा, राइट और लेफ्ट कोसेट सेम होंगे। तो अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो उसका जो है हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा,
तो इफ ग्रुप जी इज अबेलियन देन एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप। इसमें तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नॉर्मल सब ग्रुप की कुछ और कंडीशंस भी देख लेते हैं। ये तो हमने देखा जब राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट सेम होंगे तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, जिसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी, एच जी इज इक्वल टू जी एच। इसी तरीके से कंडीशंस और भी हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन वी हैव देन वी हैव एच जी इज इक्वल टू जी एच फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। इट मीन्स इट इंप्लाइज जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू इस सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। मीन्स तो एक नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन ये भी बनती है कि इफ एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी देन वी हैव दिस, और जी इनवर्स एच जी, इसको ऐसे कैसे जी इनवर्स एच जी एच जी बिलोंग्स टू एच और ऑल एच बिलोंगिंग टू एच एंड जी बिलोंगिंग टू जी। अगर एच सब ग्रुप का एलिमेंट है और जी ग्रुप का एलिमेंट है तो इस तरह के सभी एलिमेंट्स के लिए अगर ये एलिमेंट
एच में बिलोंग करे तो एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो नॉर्मल सब ग्रुप की एक कंडीशन और हुई, ऐसे भी दिखा सकते हैं कि कोई सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा जी का जब ऐसा हो। इस कंडीशन से हम एक बात और निकालेंगे अभी हमने देखा कि इफ एच इज नॉर्मल सब ग्रुप then G inverse HG is contained in H. इससे ये मिलता है for all G belonging to H, G belonging to G. अब देखिए also this shows that G inverse belongs to G inverse. Because if G belongs to G, implies G inverse belongs to G. क्योंकि ये G के सभी एलिमेंट के लिए ये सही है ना, ग्रुप के सभी एलिमेंट के लिए बस सही है तो इसके लिए भी सही होगा G inverse के लिए, क्योंकि ये भी G का एलिमेंट है। तो इससे ये मिलेगा this. अब इससे हम और आगे बढ़ेंगे। जी इनवर्स is contained in this. This shows that ये तो हो जाएगा E और इधर से भी हो जाएगा E. This. तो अगर H normal subgroup है तो न केवल ऐसा होगा, ऐसा भी होगा। ये दिखाता है, दिस शोज दैट दस
by 1 and 2. We have G inverse HG is equal to H for all G belonging to G. ये equality पे आ गया, जो बात हम यहां से लेके चले थे और ये बात हमको मिली थी यहां से कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो हर राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट होगा, इससे हमको ये मिला था कि इसका मतलब ये एलिमेंट, ये कंडीशन होगी कि सभी H और G के लिए ये H का एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि ये इसके अंदर होना चाहिए, और इसी से हमको ये मिला तो, और अल्टीमेटली हमको ये मिला. तो इफ H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप, देन तो ये सब बातें होंगी. देन पहली चीज कि एवरी राइट कोसेट इज लेफ्ट कोसेट, एक चीज, फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी. दूसरी चीज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच, और ये भी है, जी इनवर्स एच जी इज बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल एच बिलोंगिंग टू एच एंड जी बिलोंगिंग टू जी. तो ये सारी कंडीशन है नॉर्मल सब ग्रुप के लिए. एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप तब होगा अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, और ये सब तीनों चीजें सेम है, ये होगा तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा. तो इनमें से कुछ भी दिखाते हैं तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा. तो आगे बढ़ते हैं. जैसा बताया कि अगर ग्रुप अबेलियन है तो उसका सभी सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा. और अबेलियन नहीं है तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है. एक एग्जांपल देखिए कि S3 जो ग्रुप होता है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑन थ्री एलिमेंट्स, सिमेट्रिक ग्रुप ऑन थ्री एलिमेंट्स या थ्री सिंबल्स, ये हम जानते हैं ये होता है, ये इसके परमुटेशंस हैं जिसमें ये रोटेशन से मिले और ये रिफ्लेक्शन से मिले. इसका ये एक सब ग्रुप है, ये इसका एक सब ग्रुप है. इससे जो बनने वाले कोसेट्स हैं वो हम देखेंगे कि
हर राइट को सेट लेफ्ट को सेट नहीं है, या दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये इसका सब ग्रुप नहीं है, सॉरी सब ग्रुप है लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। नॉर्मल सब ग्रुप की एक कंडीशन है कि हर जी और एच के लिए ऐसा होना चाहिए। तो देखिए, कंसीडर देखिए, ये एलिमेंट लीजिए इसका, और इसका ये एलिमेंट लीजिए, जी इनवर्स एच जी, ये जी का एलिमेंट है, एच का एलिमेंट। तो देखिए, ये मिलेगा, अच्छा इसका इनवर्स होता है इस ग्रुप में ये, तो इनको मल्टी ये देखेंगे आप मल्टीप्लाई करके तो ये मिलेगा, जो कि इसका एलिमेंट नहीं है, डज नॉट बिलोंगिंग टू एच, देयरफॉर दिस इज नॉट सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये एक ऐसा सब ग्रुप है एस थ्री का जो कि नॉर्मल नहीं है, सो एच इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप। इसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं वैसे है, तो एक इससे ऐसे ग्रुप जिनका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, अ ग्रुप जी इज कॉल्ड सिंपल ग्रुप इफ इट हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होना चाहिए, बाकी हम जानते हैं कि किसी ग्रुप का सब ग्रुप वो खुद होता है, यानी जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, और आइडेंटिटी एलिमेंट केवल एक सिंगल आइडेंटिटी एलिमेंट से जो सब ग्रुप बनता है, जो सेट बनता है वो भी सब ग्रुप होता है। तो ई और जी की बात नहीं कर रहे हैं, खाली आइडेंटिटी एलिमेंट और खाली और टोटल जी की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो सब ग्रुप होते हैं वो प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। तो अगर कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है इसका, तो इसको सिंपल ग्रुप कहा जाता है। इफ इट हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, यानी जो होंगे वो कौन से होंगे, एक केवल ई और जी। ई और जी प्रॉपर में नहीं आते, ये ट्रिवियल सब ग्रुप्स है, ये तो होंगे ही होंगे, किसी भी ग्रुप के ये सब ग्रुप तो होंगे ही होंगे। इनकी बात नहीं हो रही है ना, तो इनकी बात नहीं हो रही। अच्छा, ये हम जानते हैं, अब एग्जाम्पल अगर देखें सिंपल ग्रुप का, तो ग्रुप्स एग्जाम्पल में देखें, ग्रुप्स ऑफ प्राइम ऑर्डर,
आर सिंपल ग्रुप्स। क्यों? क्योंकि जो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप होगा उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप होगा ही नहीं, क्योंकि लैग्रैन्ज थ्योरम से सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो उसका कोई डिवाइजर नहीं मिलेगा एक्सेप्ट वन और वो नंबर खुद। तो ये तो होगा इम्प्रॉपर सब ग्रुप, तो कोई प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा ही नहीं इस ग्रुप का जिसका ऑर्डर प्राइम होगा। तो प्राइम ऑर्डर के सारे ग्रुप सिंपल ग्रुप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनका कोई प्रॉपर सब ग्रुप होगा ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी ले लीजिए प्राइम ऑर्डर का एग्जाम्पल के तौर पे। Z5 congruent modulo 5 under addition, group of remainders of 5 under addition, group of remainders of 7 under addition, ये जितने भी prime order के हैं सब simple group। अब एक एग्जाम्पल ये देखिए, नॉर्मल सब ग्रुप में अगर हम देखें कि A3 अल्टरनेटिंग ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, ऑफ S3 ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप। इससे जो बनने वाले कोसेट्स हैं अगर उनकी बात करेंगे आप तो S3 तो ये है जैसा कि अभी बताया था, और A3 ये है इवन परम्यूटेशंस का जो सेट है वो भी ग्रुप बनाता है, और ये रोटेशंस वाले परम्यूटेशन है। तो ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। इसमें जो भी राइट कोसेट होगा वो लेफ्ट भी होगा। अब यहां पे एक बात देखने को मिलती है कि इसका ऑर्डर 3 है और इसका ऑर्डर यानी ग्रुप का ऑर्डर 6 है और सब ग्रुप का ऑर्डर 3 है, और अगर इंडेक्स देखा जाए मतलब कि कितने कोसेट्स बनेंगे इसके अंदर, तो वो कोसेट्स की संख्या क्या होती है ये आप ऐसे पता कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो दो ही कोसेट बनेंगे इसके, क्योंकि नंबर ऑफ कोसेट इंटू ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये हमने लैग्रैन्ज थ्योरम में देखा था। तो कुल कितने कोसेट बनेंगे किसी सब ग्रुप के,
ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड कर दीजिए, जो भी नंबर आएगा उतने ही कोसेट बन पाएंगे, डिस्टिंक्ट कोसेट, यहाँ दो ही बने। इस केस में हम देख रहे हैं दो कोसेट होंगे। तो इसमें से किसी से भी कोसेट बनाएंगे, यानी म्यू वन ए थ्री इज इक्वल टू म्यू टू ए थ्री इज इक्वल टू म्यू थ्री ए थ्री, वो सब सेम होंगे, और जो सब ग्रुप के एलिमेंट से कोसेट बनेंगे वो तो सब ग्रुप के बराबर होंगे। कहने का मतलब दो ही कोसेट यहाँ पे बनेंगे, एक तो वो सब ग्रुप यानी ए थ्री खुद, और दूसरा जो है इनमें से किसी भी एलिमेंट से बनाएंगे तो वो सेम ही होगा, यानी ये बनेगा। इससे भी बनाएंगे म्यू टू से तो वो भी यही मिलेगा, और म्यू थ्री से बनाएंगे तो भी यही मिलेगा। तो दो ही कोसेट होंगे, एक तो ये खुद, दूसरा ये, एक कोसेट ये होगा एक कोसेट ये होगा, दो ही कोसेट होंगे। तो ये जो कोसेट्स हैं उसमें एक ये है और एक कोसेट ये है, दो ही कोसेट। अब इस रिजल्ट को हम जनरलाइज करते हैं, इस एग्जाम्पल से जो हमने देखा उसे जनरलाइज किया जा सकता है कि इफ If H is a subgroup of a group G having index 2 का मतलब जो डिस्टिंक्ट कोसेट इसके अंदर बनेंगे वो उनकी संख्या 2 होगी, और इंडेक्स का मतलब इट इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इज, ये जो कोशेंट होगा वो 2 होना चाहिए। तो अगर किसी सब ग्रुप का किसी ग्रुप में इंडेक्स 2 है तो वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप जरूर होगा। देन एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। कैसे? जब दो ही कोसेट बनेंगे तो क्या, तो हम दिखा देंगे कि फिर हर राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट होगा। कैसे? जब दो ही कोसेट बनेंगे, लेट एच एंड एक्स एच आर टू डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, एच इन जी। माना ये दो डिस्टिंक्ट कोसेट है, क्योंकि इंडेक्स 2 है तो दो ही कोसेट होंगे डिस्टिंक्ट, एक तो एच खुद होता है, एक दूसरा और होगा वो मान लिया एक्स एच है। तो हम ये दिखा देंगे एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, यानी इसमें राइट और लेफ्ट दोनों सेम हो जाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो भी कोसेट बनेगा वो एच ही बनेगा, इसके एलिमेंट से जो भी कोसेट बनेगा वो एच ही बनेगा, चाहे राइट से लीजिए चाहे लेफ्ट से लीजिए। इसमें दिखा देंगे एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच। देखिए, लेट दीज आर टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच,
एंड आर टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच, माना ये राइट कोसेट्स हैं, ये लेफ्ट कोसेट्स हैं, ये राइट कोसेट्स हैं। अब होंगे दो ही क्योंकि इंडेक्स दो है, तो चाहे राइट कोसेट भी दो होंगे, लेफ्ट कोसेट भी दो ही होंगे। तो माना ये लेफ्ट कोसेट है, ये राइट कोसेट है, और जब सेट ऑफ कोसेट्स बनाएंगे तो सब ग्रुप एच तो एक उसमें से होगा ही होगा, जो कि ई से बनता है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट से बनता है। तो एच तो दोनों में कॉमन होगा, बाकी बचा दूसरा, तो एक्स इसके अंदर है कि एक्स इंटू ई इज बिलोंग टू टू एक्स इंटू ई बिलोंग टू दिस। तो हमें मालूम है कि कोसेट्स या तो डिस्टिंक्ट होते हैं या डिसजॉइंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं या सेम होते हैं। तो अगर एक्स इन दोनों में है तो एक कोसेट जो एक्स को कंटेन करता है वो ये होगा, एक कोसेट जो एक्स को कंटेन करता है ये होगा। अब इसमें एक लेफ्ट है और एक राइट है, हम दिखा देंगे दोनों सेम है। अच्छा, ये तो तय है, कि अगर ये दो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं तो इनके एलिमेंट्स का यूनियन जी होगा, आल्सो अब इसी तरह से यहां पर भी इनका यूनियन जी होगा। तो कोसेट डिस्टिंक्ट होते हैं, यहां के एलिमेंट यहां नहीं है, यहां के एलिमेंट यहां नहीं है, इनका इनका यूनियन जी है, इनका इनका यूनियन जी है, ये वाले कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब ये एलिमेंट कॉमन होंगे यहां पर। क्लियरली बाय वन एंड टू एच एक्स इज इक्वल टू, तो राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर हो जाएगा अगर इंडेक्स टू होगा, सभी केसेस में। जब भी इंडेक्स टू होगा उस सब ग्रुप के लिए हर राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट होगा, तो नॉर्मल हो जाएगा। सो एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका इंडेक्स टू नहीं होगा वो नॉर्मल नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, लेकिन जिसका टू होगा वो जरूर होगा। और देखिए कि रिजल्ट ये है इफ एच वन एंड एच टू आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन देयर इंटरसेक्शन इज ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब ये जानते हैं कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है इसमें, और अगर वो सब ग्रुप नॉर्मल है तो नॉर्मल भी हो जाएगा। प्रूफ तो बहुत सिंपल है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या दिखाना होगा। देखिए, लेट H belonging to this and G belonging to this. Then consider G inverse HG. अगर ये इसमें belong कर गया तो normal हो जाएगा. Then consider this. ये क्या होगा?
ना जी इनवर्स एच जी बिलोंगिंग टू एच वन क्यों बिकॉज एच वन इज नॉर्मल सब ग्रुप. ये एच एच वन का एलिमेंट है जो कि इंटरसेक्शन का है इसलिए दोनों में होगा. तो ये एच वन का एलिमेंट है, ये जी का एलिमेंट है और एच वन नॉर्मल सब ग्रुप है इसलिए ये एच वन का होगा बाय डिफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप. ऑल्सो दिस बिलोंग्स टू एच टू बिकॉज एच टू इज नॉर्मल सब ग्रुप. This shows that ना इन दोनों से मिलता है. This shows एच वन इंटरसेक्शन दोनों में है तो इसमें इट इंप्लाइज दिस इज नॉर्मल. तो इंटरसेक्शन दो नॉर्मल सब ग्रुप का नॉर्मल होगा. अब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं. दोनों का नॉर्मल होना जरूरी नहीं है. एक थ्योरम और देखिए. इफ एच वन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप of a group G and H2 is a subgroup of G. यानी H1 नॉर्मल है और H2 नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, सबग्रुप होना चाहिए. देन इंटरसेक्शन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप. नॉर्मल सब ग्रुप यानी एक नॉर्मल सब ग्रुप हो और एक सिंपल सब ग्रुप हो तो भी इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप होगा. देखिए कि ये तो मैं पता ही है कि दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है. तो ये सब ग्रुप होगा इसमें तो कोई डाउट नहीं. नॉर्मल और दिखाना है खाली. ठीक है नॉर्मल दिखाना है खाली. सब ग्रुप तो है अच्छा. ये भी तय है कि एच वन इंटरसेक्शन एच टू इज ए सबसेट ऑफ एच वन.
माइनस टू, दोनों का होगा, इसका भी होगा सबसेट और एच वन का भी होगा, एच टू का भी होगा, एच वन का भी होगा। तो मान लीजिए लेट लेट H belongs to intersection of this and X belong to H2. अब H इन दोनों को बिलोंग करेगा क्योंकि इंटरसेक्शन में है, H1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H1 is a normal subgroup and H2 is a simple subgroup. तो हमें मिलेगा X इनवर्स एच एक्स, इसको देखिए ये इस दोनों में है और X H2 का एलिमेंट है, H2 टू एच सब, और ये इसका सब ग्रुप है और इसका भी है, ये इसका सब ग्रुप है, इसका भी सब ग्रुप है। हमें दिखाना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हमने H इसका एक एलिमेंट ले लिया और X जो है X का एलिमेंट है, H2 का एलिमेंट है। तो ये H1 को बिलोंग करता है, क्यों? क्यों? क्योंकि ये H1 का एलिमेंट है, इसका है तो H1 का भी है, और X H2 का है तो G का भी है, और H1 और H2 G, H1 G का नॉर्मल सब ग्रुप है ना, तो ये इसको बिलोंग करेगा क्योंकि H1 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, एंड
एच बिलोंग्स टू एच वन, एक्स बिलोंग्स टू जी। एक्स अगर एच टू का एलिमेंट है तो जी का भी हो गया, ठीक है। एक्स अगर एच टू का एलिमेंट है तो जी का भी हो गया। एच अगर इस इंटरसेक्शन का है तो एच वन का भी हो गया। तो यहां पर यह समझिए कि एच एच वन का एलिमेंट है और एक्स जी का एलिमेंट है और एच वन जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उस डिफिनेशन से ये एच वन का एलिमेंट होगा। तो ये एच वन का एलिमेंट हो गया। अब हम दिखा देंगे कि ये एच टू का भी एलिमेंट है। कैसे? एच टू जी का सब ग्रुप है, एच टू जी का सब ग्रुप है। तो चूंकि सब ग्रुप है यानी ग्रुप है, और एच एच टू का भी एलिमेंट है और एक्स एच टू का भी एलिमेंट है, एक्स एच टू का एलिमेंट लिया ही है और एच भी एच टू का एलिमेंट है, तो किसी ग्रुप के दो एलिमेंट के लिए एच टू यहां पे ग्रुप है। सिंस एच टू इज अ ग्रुप, सो फॉर एच बिलोंगिंग टू एच टू एंड एक्स बिलोंगिंग टू एच टू, ऐसे फॉर एच एंड एक्स बिलोंगिंग टू एच टू, ये दोनों इसी के एलिमेंट है। इसके अंदर इनवर्स भी होगा एक्स का, तो वी हैव एक्स इनवर्स एच एक्स बिलोंग्स टू एच टू, ये तीनों ही इसके एलिमेंट हैं, तो ये भी होगा इसके अंदर प्रोडक्ट। तो यहां से और यहां से आपको क्या मिला? बाई वन एंड टू, क्लियरली बाई वन एंड टू। एच वन इंटरसेक्शन ये दोनों में है तो इसमें, तो हमें क्या मिला कि अगर h इसका एलिमेंट है और x इसका एलिमेंट है। अच्छा, हमको दिखाना था कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, सब ग्रुप तो था ही, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो हमने इसका को एलिमेंट लिया h और x जो है ग्रुप का एलिमेंट है, जब इसका है तो ग्रुप का भी। For all H belongs to this and X belongs to G. तो ये नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी।
तो इसमें ये खास बात दिखी पिछली थ्योरम से कि अगर दो सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप के जिसमें से एक नॉर्मल है तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। दोनों का नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, एक भी नॉर्मल होगा तो इंटरसेक्शन नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अब आते हैं फैक्टर ग्रुप पर। फैक्टर ग्रुप या क्वोशेंट ग्रुप क्या होता है? और क्वोशेंट ग्रुप क्वोशेंट ग्रुप फैक्टर ग्रुप और क्वेश्चन ग्रुप ये क्या है? देखिए कि इफ एन इज नॉर्मल सब ग्रुप, इफ एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, तो मैं मालूम है कि इसका इससे बनने वाले सारे राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट सेम होंगे। किसी एलिमेंट से जो राइट कोसेट बनाए और लेफ्ट कोसेट बनाए दोनों सेम हैं। तो जो भी कोसेट्स का सेट बनेगा वो ग्रुप बनाएगा। देन सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एन इन जी फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर कोसेट मल्टीप्लीकेशन। अंडर कोसेट मल्टीप्लीकेशन दिस ग्रुप यानी दिस ग्रुप ऑफ कोसेट्स कोसेट्स इज कॉल्ड फैक्टर ग्रुप, फैक्टर और क्वोशेंट ग्रुप, फैक्टर और क्वोशेंट ग्रुप डिनोटेड बाई जी बाई एन, ऐसे लिखते हैं इसको। और इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ दिस इज नंबर ऑफ कोसेट्स, डिस्टिंक्ट कोसेट मीन्स ऑर्डर ऑफ जी बाई द ऑर्डर ऑफ एन। तो ये ग्रुप कौन सा है? फैक्टर ग्रुप इज सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एन इन जी जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट बनेंगे। अब राइट और लेफ्ट सेम होते हैं तो कोई भी लिख सकते हैं, चाहे राइट लिखिए चाहे लेफ्ट लिखिए। और जो मल्टीप्लीकेशन यहाँ डिफाइन किया है वो ऐसे होगा, कोसेट मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड एज कि मान लिए दो हैं एन एक्स वन एन एक्स टू बिलोंग टू दिस। इसका मतलब ये है ऐसे मल्टीप्लाई किया जाएगा इसका मतलब ये है कोसेट मल्टीप्लीकेशन ही होगा। ये कोसेट अगर एक्स वन से जनरेट हुआ है ये एक्स टू से जनरेट हुआ है तो इनको प्रोडक्ट करने का मतलब है एक्स वन इंटू एक्स टू से जनरेट होने वाला कोसेट मिल जाएगा। और हम देख सकते हैं कि ये ग्रुप होगा यानी क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। देखिए ये कोसेट है ये कोसेट है तो इसका प्रोडक्ट ये भी कोसेट होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब कोसेट जो होगा वो वेल डिफाइंड है ये देखने की खाली बात है, तो ये देख सकते हैं ये वेल डिफाइंड है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा ये, जब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा,
तो यहाँ पर भी अपने आप होल्ड कर जाएगा। आइडेंटिटी की अगर बात करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एन खुद यानी सब ग्रुप खुद होगा जो आइडेंटिटी से जनरेट होगा, है ना। एन मीन्स दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस, ठीक है। यूनिवर्स किसी कोसेट का इनवर्स होगा ये, ठीक है। और अगर ग्रुप अबेलियन होगा तो ये भी अबेलियन हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये ग्रुप बनाता है। इसका अगर आप एक एग्जांपल देखिएगा तो जैसा कि अभी आपको बताया था कि दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन, और इससे जो फैक्टर ग्रुप बनेगा इसका, उसमें ये एलिमेंट्स होंगे 3z 1 प्लस 3z 2 प्लस 3z, ये तीन होंगे। और इसी तरीके से हम ये भी देख चुके हैं, दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें कि ये फैक्टर ग्रुप देखिए A3 यानी अल्टरनेटिंग ग्रुप इज ए सब नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3, A3 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस, और इससे जो फैक्टर ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा A3 इटसेल्फ, और किसी से भी हमने बताया था कि आप उसे बना लीजिए म्यू टू से बन जाएगा, यही मिलेगा, म्यू3 से भी यही मिलेगा। तो ये फैक्टर ग्रुप हो गया, तो ये आपका हो गया नॉर्मल सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप से बनने वाले फैक्टर ग्रुप। सिंपल ग्रुप आपको बताया गया कि वो ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा वो जो है सिंपल ग्रुप कहलाएगा, और जो भी ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होगा वो सिंपल ही होगा। इस एक रिजल्ट और आपको बताते हैं, फैक्टर ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, थ्योरम यह है फैक्टर ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हम इसमें यह क्लेम करते हैं, लेट जी इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय
बाई ए, इसका जनरेटर ए है, यानी ए की पावर्स करके जी के एलिमेंट मिल जाएंगे। एंड लेट एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। हम क्लेम करते हैं कि ये भी साइक्लिक होगा, और साइक्लिक का मतलब है इसका जनरेटर होगा, तो वो जनरेटर ही ढूंढना है। वी क्लेम दैट ए एन इज अ जनरेटर ऑफ फैक्टर ग्रुप ये इसका जनरेटर है। इसका कोई भी एलिमेंट कैसा होगा, लेट लेट एक्स एन बिलोंग्स टू दिस, ये इसका कोई एलिमेंट है विद एक्स बिलोंगिंग टू जी। एक्स एन इज इक्वल टू ए पावर एम एन, यही तो होगा ना, क्योंकि ए जनरेटर है ना, बिकॉज बिकॉज जी इज साइक्लिक एंड ए इज जनरेटर, बिकॉज जी इज साइक्लिक विथ जनरेटर ए, तो कोई भी एलिमेंट ऐसे लिखा जा सकता है विथ सम, है ना, यहां पे विथ सम फॉर सम एम बिलोंगिंग टू जेड, किसी पॉजिटिव किसी इंटीजर के लिए ऐसा हो, किसी इंटीजर के लिए तो ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ कि a m टाइम्स इन टू एन, और जैसा कि अभी प्रोडक्ट डिफाइन किया है, मल्टीप्लिकेशन जैसे कि डिफाइन किया है यहां पे, कि इनके मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का मतलब है a n m टाइम्स, इट मींस a n पावर n। तो किसी भी एलिमेंट को इसकी पावर्स में लिखा जा सकता है, इसके किसी भी एलिमेंट को इसकी पावर्स में लिखा जा सकता है, यानी ये इसका जनरेटर है। इट इंप्लाइज ए एन इज अ जनरेटर ऑफ तो अगर ए जी का जनरेटर है तो ए एन जी बाई एन का जनरेटर हो गया, तो जब ये इसका जनरेटर हो गया तो ये साइक्लिक हो गया, हेंस दिस इज साइक्लिक, दिस इज साइक्लिक। तो एवरी फैक्टर ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, थैंक यू।